Hello guys, selamat datang di Indonesia dengan semua output under Bluetooth earphone atau Bluetooth earphone untuk sampai headset-headsetnya. Sebenarnya kalau aku udah pesen aja dulu bilang tapi jadi kan jangan kena yang kita untuk subscribe di video ini. Jadi kan support is simple dari Cina followers ini kena ada tolong dari sekian. Kita start the last video. तो पहले हम जाएंगे फ़ोन की सेटिंग्स पे। सेटिंग्स से स्क्रॉल करने के बाद ब्लूटूथ वाला ऑप्शन दिखता है, तो चले जाइए। देख सकते हैं ये फोन कनेक्ट है, ये वाले ब्लूटूथ ईयरफोन्स कनेक्ट है। एक डॉट दिखता हुआ जरा कॉर्नर पे, कॉर्नर पर चले जाइए। उधर जाने का आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, डिस्प्ले और अनप्लेयर। इसमें आपकी लिस्ट में रहेगा और आप अगर आप ब्लूटूथ ऑन है तो आप उसकी लिस्ट में एक टैप के साथ उसे दोबारा कनेक्ट कर देंगे। अनप्लेयर वहाँ पर ये होगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मिनिमम सेकेंड से मिनट लगेंगे तो आप ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा। पर लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा आपकी कनेक्टिविटी लिस्ट में, तो वहाँ पर फिर भी अनप्लेयर करने का। तो इसके आप देख सकते हैं हमारा ब्लूटूथ अनप्लेयर हो चुका है। ये देखिए लिस्ट में इसका नाम आ रहा है। अगर हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक सेव्ड की लिस्ट एक और आती है, तो उसमें हमारा नाम इस ब्लूटूथ नाम आ रहा, तो हमारा सक्सेसफुली अनप्लेयर हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको धन्यवाद।